नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जो भैया दीदी हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, आज मैं गई थी कोरोना का टीका लगवाने और लगवा भी चुके हैं, 2 दिन दौड़ के गए हैं दोस्तों। दोनों दिन का मैं वहाँ का वीडियो थोड़ा थोड़ा क्लिप शूट की हूँ और आप सब जरूर देखना प्लीज। और मैं अच्छी अच्छी जगह वहाँ आप सबको दिखाई हूँ और फूल के पौधे वहाँ लगे हुए थे, तो ये देखिए लगाई कर रही है। ऐसा ना करो अंजलि, अंजलि मस्ती कर देती है थोड़ा थोड़ा। तो आप सब शिकायत ना करना, ये आप समझ सकते हैं छोटे छोटे बहन भाई सभी होते हैं, तो इसी प्रकार बचपन में होता नोक झोंक हुआ करता है पूरा। प्लीज वीडियो जरूर देखना। तो दोस्तों, मैं टीका लगवाने आई थी और आज यहाँ पर टीका ख़त्म हो गया है, वैक्सीन। और बाकी सभी लोग आए थे, चले गए हैं, लेकिन थोड़ा देर तक वहाँ हम इंतज़ार कर रहे थे कि किसी न किसी तरह वहाँ तक हम सब पहुँचे थे। और मैं यही सोच रही थी कि इतना टाइम भी ख़राब हुआ और टीका भी नहीं लगा, तो वैसे वैक्सीन ख़त्म हो गया था दोस्तों। एक दिन में 500 लोग ऐसे करके टीका लगवा रहे हैं। और ये देखिए, ये दूसरा दिन है, तो मैं दूसरे दिन आ गई हूँ टीका लगवाने। तो यहाँ पर बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है, बाकी जो टीका लगवाए हैं और वो निकल के आ रहे हैं और बाकी लाइन लगा है दोस्तों। तो जहाँ से ये देखिए हम सब जा रहे हैं, चंदन के पापा आगे हैं और मैं वीडियो बनाते जा रही थी, तो मैं बोली कि थोड़ा आप बना दो चंदन के पापा से, तो बोले नहीं मैं नहीं बनाऊंगा, नहीं तो कोई देखेगा डांट लगाएगा। तो मैं बना रही थी और मैं सोची कि हमें कोई डांट लगाएगा तो मैं बता दूंगी कि हमारा चैनल है। तो यहाँ अंधेरा आता रहा दोस्तों, बहुत बड़ी लाइन, ये देखिए कितना सारा लाइन लगा है। तो ये दीदी सब हमारे आसपास मतलब गांव के ही हैं, तो हमारा गांव बहुत बड़ा है। तो बाकी सब करीब 20-25 गांव के लोग यहाँ टीका लगवा चुके हैं। तो ये आज मतलब 3 दिन से हमारे गांव का ये पारी था, तो सभी दीदी वहाँ गई थी लगवाने। तो ये देखिए दोस्तों, मैं एक दीदी को अपना मोबाइल पकड़ा दी थी और ये लाइट यहाँ बहुत तेज था, तो यहाँ बहुत अच्छी से ये देखिए आया है वीडियो। और यहाँ मैं टीका लगवाने जा रही थी, तो ये देखिए दोस्तों, 1 सेकंड भी नहीं लगता, जल्दी से टीका लग जाता है। तो मैं लगवा ली और वही क्लिप एक बार मैं फिर से जोड़ दी हूँ दोस्तों, क्योंकि छोटा सा बनाए वो दीदी बना पाई थी, हिलाती रही, बाकी वो काट भी दी थी, तो मैं दोबारा दिखाने की कोशिश किया। और आप सब भी लगवाना टीका, और बाकी तो हमारे बहन भाई जितने हैं सभी लोग बोलते थे संगीता जी टीका लगवा लीजिए। तो ये हम बाहर निकल आए हैं, चंदन के पापा अंदर ही हैं, तो उनकी बहुत बड़ी लाइन है। तो दोस्तों, मैं किसी तरह बात करके निकल आई। तो ये देखिए, ये सरकार किस तरह मतलब पोस्टर लगवाए हैं जनता को जागरूक करने के लिए कि टीका लगवाओ सभी लोग। तो आप सब तो ऐसे पढ़े हैं, तो हर जगह ये पोस्टर आप सबके वहाँ भी लगा होगा। यहाँ हम बाहर निकल के चंदन के पापा का इंतज़ार कर रही थी, तो यहाँ मतलब वापस वो आ गए थे, बोले आज हमें नहीं लगा तो मैं दूसरे दिन आकर लगवाऊँगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ मैं बैंगन और पत्ता गोभी और फूल गोभी और मिर्चे का पौधा ले रही थी लगाने के लिए, तो मैं टमाटर का पौधा भी ली हूँ। और यहाँ भैया बात कर रहे थे, तो धूप बहुत तेज था दोस्तों, और वो धूप में देखिए किस तरह एक वो छाता लगाकर बैठे हुए हैं और बात भी कर रहे थे। तो बोल रहे थे और ले जाओ बैठा लो, तो मैं बोली थोड़ा ही हमें बैठाना है।
तो दोस्तों यहाँ मैं फूल पत्ती, जहाँ फूल बिकता है दोस्तों, फूल का पौधा, आम का, अमरूद का, नींबू का, मतलब तमाम प्रकार के पौधे फूल पत्ती हैं जो मैं नाम भी नहीं बता पाऊँगी। और मैं वही पूछ रही थी कि ये पौधा कितने में है, तो मैं एक गुलाब का पौधा ली हूँ दोस्तों, और नींबू जो मैं देख रही हूँ वो नींबू फरा हुआ है, छोटा छोटा पौधा है और उसमें अच्छे से फल लगा हुआ है। तो भैया पौधा गुलाब का निकाल रहे हैं, ये देखिए, तो इसमें बहुत सुंदर सा गुलाब का पौधा लगा था। तो मैं बताई उनसे कि हमें यही पौधा लेना है, और नींबू वहाँ पर फरा हुआ दोस्तों, जो भैया हाथ में उठाए हुए हैं वो नींबू में फल लगा हुआ है। तो मैं एक नींबू का भी पौधा लाई हूँ, तो ये देखिए इसमें फल कितना अच्छे से लगा हुआ है, ये देखिए। और इस साइड तमाम प्रकार के फूल लगे थे, बहुत सुंदर सुंदर, तो शायद दोस्तों उतना मैं ला भी नहीं पाऊँगी, और महंगा भी है वो रेट, मतलब फूल का। तो एक एलोवेरा का पौधा लाई हूँ। तो हम सब वहाँ से 3 पौधे खरीदे हैं और वहाँ से जाने वाले, निकलने वाले हैं। तो अभी भैया को पैसा चंदन के पापा देंगे और फिर हम सब यहाँ से चले जाएंगे। तो दोस्तों मैं तालाब में गई थी, वहाँ कमल का फूल भी दिखाया है और तोड़ा भी। तालाब के पास आई हूँ और यहाँ आपको कमल का पौधा दिखाती हूँ, और हम सब तोड़ेंगे भी अगर पानी ज़्यादा नहीं रहेगा तो। मैं चलती हूँ, आप सबको दिखाती हूँ। यही कमल का पौधा है और पानी अधिक है, शायद यहाँ गहरा है, तो यही देख रहे थे। तो वहाँ सब ये कमल का पौधा ही है सब। तो दोस्तों हम पानी में जा रहे हैं, वहाँ से फूल तोड़ते हैं। तो ये देखिए पूरा फूल भी नहीं तोड़ पाए, ये देखिए। और ये तो ये दोस्तों पत्ता है, ये जो कमल का फूल है इसी का पत्ता, और फूल मैं नहीं निकाल पाई, फूल गहराई में है तो वहां नहीं जा पाई। तो मैं सोची एक तोड़ के दिखाऊं, इसका कोमल, ये क्या बोलते हैं, फूल की कलियां। तो मैं पैर को धुल लेती हूँ। तो ये देखिए मैं एक ही निकाल पाई। तो ये देखिए दोस्तों पानी से मैं एक निकाल लाई हूँ, यही है कमल। तो पूरा तो नहीं निकाल पाए दोस्तों, और उस बीच में देखिए वहाँ सब फूल फुलाया हुआ है, लेकिन वहाँ हम जा नहीं सकते। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर फूल है कमल का, देखिए सामने वहाँ भी कमल का फूल है और इस साइड भी फूल है, लेकिन इतना मेहनत के बाद एक ही फूल निकाल पाए हैं, ये देखिए खाली हाथ आना पड़ा। मैं सोची थी उसमें एक कमल गट्टा निकलता है तो वही हम सब निकालेंगे, लेकिन वहाँ तालाब के अंदर वहाँ नहीं जा पाए हम सब, पानी मतलब ज़्यादा है बरसात की वजह से। तो अब हम सब चलते हैं घर पे। तो दोस्तों आप सबको ये वीडियो कैसा लगा, और आज पानी बरस रहा है हम सबके यहाँ, आवाज़ काफ़ी आता होगा। दोस्तों आप सब भी कोरोना का टीका आप सब भी लगवाना, और मैं लगवाई तो थोड़ा सा दर्द हुआ दोस्तों, उतना बुखार का जो टीका लगता है और बाकी जो वो लगता है टीका उससे थोड़ा अलग था दोस्तों, ये पता ही नहीं चला। मैं लगवा ली हूँ और चंदन के पापा नहीं लगवा पाए, उनकी लंबी लाइन लगी थी, और
मैं किसी तरह रिक्वेस्ट करके बोली, जो मैम वहाँ खड़ी थी, वो मैम खड़ी थी, मैं बोली कि सिस्टर हमें लगवा दीजिए, मैं लाइन में ज़्यादा नहीं रुक पाऊँगी। तो वो उन्होंने लगवा दिए थे। और चंदन के पापा तो पीछे रह गए हैं, तो वो अब 3 दिन 2 दिन दौड़ के उनको भी जाना पड़ेगा। दोस्तों बड़ी बड़ी लाइन लगती है, करीब 500-600 लोग का लाइन लगता है। तो थोड़ा मैं क्लिप वीडियो वहाँ का शूट कर पाई, ज़्यादा नहीं, वैसे अंधेरा आ रहा था। तो आप सब भी देख लेना, मैं थोड़ा सा शूट की हूँ। और तो दोस्तों वीडियो में कोई गलती होगा तो माफ़ करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। हाय चाचा। हाय हाय।